हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे डेली डोज में, वो एक क्वेश्चन की जगह हम एक जनरल कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कवर अप होंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्या है? वी नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ लॉग ऑफ क्वाड्रेटिक। अगर लॉग ऑफ क्वाड्रेटिक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल टू, लेट से लिखा हुआ है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन, ठीक है, टू द बेस कुछ भी थ्री, इसका रेंज क्या होगा? वाई इक्वल टू लॉग ऑफ मान लो कुछ भी 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x टू द बेस कुछ भी, लेट्स से 1/7, इसका रेंज क्या होगा? ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर लॉग ऑफ क्वाड्रेटिक का रेंज। ठीक, उससे पहले रेंज डिस्कस करने से पहले कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम लॉग की बात करते हैं, जैसे लॉग ऑफ पी टू द बेस क्यू, लॉग तब डिफाइंड होता है, लॉग इज डिफाइंड, ये आई होप सबको पता ही होगा, व्हेन ये जो पी है दैट शुड बी पॉजिटिव एंड जो बेस है क्यू दैट शुड बी पॉजिटिव एंड दैट शुड नॉट बी इक्वल टू वन। ठीक है, जब ये तीनों चीजें ट्रू होंगी, पी पॉजिटिव हो, क्यू पॉजिटिव हो एंड बेस वन के इक्वल ना हो, देन ओनली लॉग विल बी डिफाइंड। और इन अनदर सेंस जो हम ये बोल रहे हैं लॉग ऑफ क्वाड्रेटिक टू द बेस कुछ भी, लेट से बेस एम, ठीक है, ये डिफाइंड तब होगा जब भी हमारा जो क्वाड्रेटिक है वो ग्रेटर देन जीरो। ये क्वाड्रेटिक जब पॉजिटिव होगा तभी लॉग डिफाइंड होगा, तभी वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी, तभी हम कुछ रेंज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब हम वेरियस सिनेरियोस कंसिडर करते हैं। अगर हम पहले क्वाड्रेटिक को कंसिडर करें, जैसे लेट से मैं बात करता हूँ वाई इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी क्वाड्रेटिक, या तो छह टाइप से क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो सकता है, या तो वो एक्स एक्सिस पर टच कर रहा होगा या कट कर रहा होगा या नीदर टच नॉर कट, सिमिलरली डाउनवर्ड पैराबोला के लिए ग्राफ हो सकता है। एंड आई एम वेरी श्योर आपको ये आइडिया होगा कि जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला, नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड पैराबोला, एंड एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, टच कर रहा है या नीदर टच नॉर कट, ये डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता लग जाता है। ठीक है, ये छह अलग अलग सिनेरियोज हैं जब क्वाड्रेटिक लॉग के अंदर आ सकती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सभी सिनेरियोज में चाहे अपवर्ड पैराबोला हो या डाउनवर्ड पैराबोला हो, जहां पे पैराबोला अपना कर्वेचर चेंज कर रहे हो उसको वर्टेक्स बोलते हैं, एंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आई एम वेरी श्योर आपको पता होंगे, दिस इज माइनस बी बाई टू ए कोमा माइनस डी बाई फोर ए, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम रेंज की बात करते हैं, लेट से ये ग्राफ्स हैं, ये फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकेंड ग्राफ है, ये थर्ड ग्राफ है, ये फोर्थ ग्राफ है, ये फिफ्थ ग्राफ है और ये सिक्स ग्राफ है। ठीक है, एंड आपको वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, इसका ग्राफ पता होगा। ठीक है, अगर बेस पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, बेस अगर वन से बड़ा है, ठीक है, एंड अगर बेस वन से छोटा है, बट ऑब्वियसली जीरो से तो बड़ा होना चाहिए, देन लॉग का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये लॉग का ग्राफ है, राइट। अब मतलब पॉइंट क्या है, लॉग में अगर इनपुट जीरो से बड़ा है तो लॉग क्या करता है, उसको माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी भेज देता है। ठीक, क्लियर। अब अगर मैं इन सभी केसेस में, ये जो हमारा बेस है, इस बेस को मैं अज्यूम करके चल रहा हूं एक बार वन से बड़ा, दिस बेस हम बेसिकली अब कंसिडर करना चाह रहे हैं लॉग ऑफ क्वाड्रेटिक टू द बेस ए, एंड मैं मान रहा हूं बेस वन से बड़ा, अगर बेस वन से छोटा होगा, बेसिकली जीरो से वन होगा, तो रेंज उल्टी हो जाएगी। उल्टी का मतलब, जैसे अगर जैसे अभी हम केसेस कंसिडर करते हैं, ठीक है, अभी मैं जो रेंज लिख रहा हूँ वो ए ग्रेटर देन वन के लिए लिख रहा हूँ, लेट से क्वाड्रेटिक फर्स्ट टाइप की होती है, तो लॉग के अंदर अब जो इनपुट जा रहा है क्वाड्रेटिक, वो एक स्पेसिफिक वैल्यू जो कि पॉजिटिव है फर्स्ट केस में, उससे लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो केस वन में अगर फर्स्ट टाइप का ग्राफ बनता है तो वाई इक्वल टू लॉग ऑफ क्वाड्रेटिक, अब ये ध्यान से समझना, टू द बेस ए, यहां पर मैं मानकर चल रहा हूं ए ग्रेटर देन वन है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक मेरी एक स्पेसिफिक पॉइंट जो कि पॉजिटिव है वहां से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो लॉग के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, माइनस डी बाई फोर है, यही तो वाई की वैल्यू है, क्वाड्रेटिक का लोएस्ट मोस्ट पॉइंट, यहां से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो लॉग क्या करेगा उसे, लॉग ऑफ माइनस डी बाई फोर ए टू द बेस ए, अच्छा बेस को हम एम मान लेते हैं बिकॉज ए मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, लेट्स एज्यूम बेस टू बी एम, एम टू द बेस एम से लेकर इन्फिनिटी तक, ये वाली वैल्यू इंक्लूड होगी, इन्फिनिटी ऑब्वियसली एक्सक्लूडेड होते हैं, ये हमारी रेंज हो जाएगी अगर फर्स्ट टाइप का ग्राफ है। ठीक है, मेरे ख्याल में से ये क्लियर हो रहा होगा। अब अगर सेकंड टाइप का ग्राफ है, अब ध्यान से समझना, सेकंड टाइप के ग्राफ में क्या हो रहा है, जो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक
क्या मैं बोल सकता हूँ क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो रही है। अब हम सेकंड टाइप का ग्राफ कंसिडर करते हैं, हम वाई इक्वल टू लॉग ऑफ क्वाड्रेटिक टू द बेस एम की रेंज की बात करना चाह रहे हैं। हमारा डोमेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम अभी सिर्फ रेंज की बात करना चाह रहे हैं, और हम केस टू कंसिडर कर रहे हैं जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को इस तरीके से टच कर रहा था। तो जो लॉग के अंदर इनपुट जा रहे हैं क्वाड्रेटिक, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। एज यू कैन सी, ये ग्राफ हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब लॉग क्या करेगा, लॉग इक्वल टू जीरो वाले इनपुट को तो रिजेक्ट कर देगा, वो सिर्फ वो इनपुट लेगा जो उसके काम का है, और लॉग के काम का इनपुट क्या होता है, जीरो टू इन्फिनिटी। तो लॉग को अपना सारा काम का इनपुट मिल गया, और इस इनपुट पे लॉग क्वाड्रेटिक को कहां भेज देगा, रेंज क्या कर देगा उसकी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बिकॉज लॉग के अंदर हम जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल इनपुट डाल सकते हैं, वो इसको ये वाली क्वाड्रेटिक इनपुट की तरह देने लग गई। तो रेंज क्या बन जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, सेकेंड केस में, y belongs to minus infinity to infinity। ठीक है, अब हम थर्ड केस की बात करते हैं, जब हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से था, जब क्वाड्रेटिक x एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, अगेन हम बात करना चाह रहे हैं y equal to log of quadratic to the base m। अब ध्यान से देखो, अब ये जो क्वाड्रेटिक है अपनी, ये क्वाड्रेटिक इन्फिनिटी तक तो जा रही है, बट किसी नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रही है, वो नेगेटिव वैल्यू इनफेक्ट माइनस डी बाई फोर है। तो एक नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट होकर वाई की क्वाड्रेटिक की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक एज एन इनपुट लॉग के अंदर जा रहा है, लॉग नेगेटिव वैल्यूज को तो आइडेंटिफाई करेगा नहीं, है ना। लॉग के अंदर तो हम सिर्फ जीरो टू इन्फिनिटी ही इनपुट डाल सकते हैं, तो इस इनपुट में से लॉग अपने काम का इनपुट निकाल लेगा। लॉग के काम का इनपुट क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी। क्या ये सारा इनपुट इस इंटरवल में इंक्लूडेड है, यस। तो लॉग क्या करेगा, सिर्फ इतने से इनपुट को निकाल लेगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा, और ये इनपुट लेने पर लॉग उसको क्या कर देगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भेज देगा। क्योंकि आई एम वेरी श्योर आपको लॉग का ग्राफ ध्यान होगा, कुछ इस टाइप से था। अगर लॉग के अंदर इनपुट माइनस जीरो से इन्फिनिटी चला जाता है, ओपन जीरो टू इन्फिनिटी, तो लॉग उसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भेज देगा। तो थर्ड केस में भी रेंज ये बन जाएगी, समझ पा रहे हो। तो लॉग ऑफ क्वाड्रेटिक में, अब हमने पहले तीन केस, यानी कि जब ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है, उन तीनों केसेस में हमने रेंज कंसिडर कर ली, एंड ऑब्वियसली इन सब में हम क्या मानकर चल रहे हैं, बेस वन से बड़ा है। बेस जब वन से छोटा होगा तो क्या करना है, वो मैं अभी बताता हूँ, बट पहले हम फोर्थ फिफ्थ और सिक्स केस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो फोर्थ केस में क्या हो रहा है, फोर्थ केस में ग्राफ कुछ इस टाइप से है, जो पैराबोला है वो आपका नीचे की तरफ है। ठीक है, कुछ इस टाइप से ग्राफ है फोर्थ में, y इक्वल टू लॉग ऑफ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक के ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं ऑब्वियसली। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक की जो रेंज है, क्वाड्रेटिक कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रही है, वो माइनस इन्फिनिटी से एक नेगेटिव पॉइंट तक बिलोंग कर रही है। ठीक है, अब लॉग इसमें से अपने काम का इनपुट निकालेगा, क्या इसमें लॉग के काम का कोई भी इनपुट है, नहीं। ठीक है, क्योंकि लॉग के काम का इनपुट है जीरो टू इन्फिनिटी, इसका एक भी पार्ट इस इंटरवल में नहीं आ रहा, तो बेसिकली लॉग को कोई इनपुट ही नहीं मिला जिसका वो आउटपुट निकाल पाए, तो रेंज बेसिकली क्या होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, इनफैक्ट ये फंक्शन ही नहीं होगा, दिस इज एन एम्प्टी फंक्शन, कोई डोमेन ही नहीं है इसकी, डोमेन मतलब कोई भी काम की चीज नहीं है फोर्थ पार्ट में। अब अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें, ठीक है, फिफ्थ पार्ट में देखो क्या था, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है बट नेगेटिव वाली साइड है। इसमें भी अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, क्वाड्रेटिक इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, और लॉग में क्या चाहिए था, लॉग के अंदर जो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, लॉग की क्या रिक्वायरमेंट है, लॉग को चाहिए कि भैया ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो बन जाए एटलीस्ट कहीं पर भी, बट यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा ही या तो नेगेटिव है या जीरो है, दोनों में से कुछ भी लॉग को पसंद नहीं है, ना लॉग को नेगेटिव चीजें पसंद है, ना ही लॉग जीरो एज एन इनपुट ट्रीट करता है, है ना। तो फिफ्थ केस में भी रेंज क्या रहेगी, रेंज विल बी फाइव, कुछ भी रेंज नहीं रहेगी, दिस इज अगेन एन एम्प्टी फंक्शन, कोई फंक्शन ही नहीं बनेगा ये। ठीक है, कोई भी एक सिंगल इनपुट नहीं है जो वैलिड है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सिक्स पॉइंट, जो हमारा लास्ट ग्राफ है, जिसमें देखो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं बट डाउनवर्ड पैराबोला है, यानी कुछ इस टाइप से ग्राफ है। ठीक है, और हम बात करना चाह रहे हैं रेंज की, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ क्वाड्रेटिक टू द बेस एम। ठीक है, अब यहां से देखो ये जो क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर नीचे से आ रही है और एक स्पेसिफिक पॉजिटिव पॉइंट तक जा रही है, और वो पॉजिटिव पॉइंट क्या है, माइनस डी बाय फोर है। अब इसमें ये मत कंफ्यूज होना कि कहीं कहो कि सर
ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, बट यहाँ तो माइनस डी है ये भैया। ए भी तो नेगेटिव होते हैं ना, डाउनवर्ड पैराबोला, तो ये क्वांटिटी माइनस डी बाई फोर है इन ऑल, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब लोब के अंदर ये सारा एज एन इनपुट जा रहा है क्वाड्रेटिक, है ना, ये इनपुट की तरह गया। क्या लोब पूरे इनपुट को आइडेंटिफाई करेगा? नहीं, लोब को क्या चाहिए? लोब को तो वो इनपुट चाहिए जो ग्रेटर देन जीरो। तो इसमें से लोब आइडेंटिफाई क्या करेगा? जीरो से माइनस डी बाई फोर है, ये लोब के काम का इनपुट है। ठीक है, ये इनपुट को लोग आइडेंटिफाई करेगा और बाकी इनपुट को रिजेक्ट कर देगा। तो आइडेंटिफाइड इनपुट ये हुआ। अब ये इनपुट डालने पर लोग वाई की वैल्यू को कहां भेजेगा? लोग ऑफ जीरो माइनस इंफिनिटी से लोग ऑफ माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, क्लोज्ड। ये इस केस में रेंज बन जाएगी, समझ पा रहे हो ये चीज? ठीक है, तो लोग ऑफ क्वाड्रेटिक में अपन ने छे के छे टाइप की रेंज कंसिडर कर ली, जब जैसी मर्जी क्वाड्रेटिक को, दिस विल बी द रेंज। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, चाहे वो आप जेई की बात कर लो या केवीपीवाई की बात कर लो या आईओक्यूएम की बात कर लो या सीएमआई की बात कर लो, आईएसआई की बात कर लो, सब में ये लॉग ऑफ क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्रिस्टल क्लियर, ये कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। और अगर आपको ये सब चीजें क्लियर है ना, तो बहुत सारी रेंज को आप बड़े सीधे बता पाओगे। जैसे जैसे मतलब अगर मैं सिंपल सी चीज करूं, मैं आपसे पूछता हूं कि भैया लॉग ऑफ क्यूबिक क्या होगा, कोई भी क्यूबिक, लॉग ऑफ क्यूबिक टू द बेस ए, इसकी रेंज क्या होगी? आपको सीधा समझ में आना चाहिए कि भैया रेंज विल बी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, क्योंकि आपको दिखना चाहिए क्यूबिक, कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की ऑल रियल वैल्यूज रेंज होती है। ठीक है, बट लॉग के काम का इनपुट जीरो से इन्फिनिटी होगा और ये पूरा इनपुट इसको मिल जाएगा क्यूबिक से, और जैसे ही लॉग को पूरा इनपुट मिला तो लॉग आउटपुट को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भेज देगा। ठीक है, हैविंग सेड दैट, ये सारी कहानी हमने कब करी थी? जब बेस आपका वन से बड़ा हो। व्हाट इफ बेस अगर जीरो से वन के बीच में है? तो देखो बड़ा सिंपल सा फंड है, अगर बेस जीरो से वन के बीच में है, जैसे लेट से y इक्वल टू लॉग ऑफ क्वाड्रेटिक टू द बेस a, ठीक है, इसकी रेंज मान लो कुछ p से q तक आती है। अब यहां पर a वन से बड़ा है, अब अगर a वन से छोटा है तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग ऑफ क्वाड्रेटिक, a को मैं लिख सकता हूं 1/a रेज टू पावर माइनस वन, ये माइनस वन आपको पता है आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ क्वाड्रेटिक टू द बेस 1/a, और ये नेगेटिव आ गया। अब a अगर 1 से छोटा था तो 1/a आपका क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा हो जाएगा, और 1 से बड़े वाले के लिए मैंने रेंज का अभी बताया तरीका कैसे करना है। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट अप्लाई अ नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ दैट। तो अगर बेस जब 1 से बड़ा है तो रेंज अगर ये है, जैसे बेस अगर 2 है और क्वाड्रेटिक सेम है, मतलब फॉर एग्जाम्पल लॉग ऑफ क्वाड्रेटिक टू द बेस 2, ठीक है, अगर इसका आंसर पी टू के वो आता है रेंज, तो लॉग ऑफ सेम क्वाड्रेटिक टू द बेस हाफ, इसका आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो वो माइनस के उसे माइनस पी बन जाएगा, दैट्स इट, इतना चेंज होगा। तो अगर आपको वन से बड़े बेस के लिए पता है आंसर, तो आप वन से छोटे बेस के लिए भी आप आंसर इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था जिसमें हम लॉग ऑफ, एंड इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर अब आपको है ना लॉग ऑफ पॉलिनोमियल टू द बेस ए, इसकी रेंज आप कर पाओगे, इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी लॉग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू द बेस ए, इसकी भी आप होपफुली रेंज अब निकाल पाओगे। राइट, ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन यार, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन, एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों को आइडिया होगा आईओक्यूएम का नोटिफिकेशन आ गया, एंड इस बार जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, है ना, आईओक्यूएम में देर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो एग्जाम का जो डेट है वो दैट इज 30th of October, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी काफी टाइम है प्रिपरेशन करने से, एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए आईओक्यूएम की, है ना, एंड जो नया पैटर्न है जिसमें देर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन। ठीक है, टाइम बोल दो 3 आवर्स का ही है, ठीक है, बट पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, 2 मार्क्स के देर विल बी 10 क्वेश्चन, ठीक है, 5 मार्क्स के देर विल बी 12 क्वेश्चन, एंड ये थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इन्होंने इस बार डाला है, देर आर 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्कर। मेजरली मुझे पर्सनली लगता है ये जो 10 मार्कों के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होंगे, एंड दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर उन बच्चों के लिए जो इनमो का पेपर लिख पाएंगे। राइट, तो दिस इज द न्यू पैटर्न, एंड यार बकल अप, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, है ना, आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा सा बेटर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ बैच, अ न्यू बैच आईक्यूएम अचीवर्स, द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th of July बिकॉज नोटिफिकेशन आ गए, है ना, एंड इस बैच में लिमिटेड सीट्स है बिकॉज इसमें वी ऑल 3 विल बी टीचिंग। ठीक है, लोहित सर, अभय सर एंड मी, हम तीनों इस बैच में टीच करेंगे। राइट, तीनों इक्वल लेक्चर्स लेंगे,
बैच में क्या कुछ होगा, बैच की क्या हाइलाइट्स हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर के रिजल्ट का बता देता हूँ। हम लोगों ने एट वीओएस, हमारी वीओएस टीम ने, मैथ्स की टीम ने क्या लास्ट ईयर रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हमारे पास ना रफली 1600 के अराउंड टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया। अराउंड 2300 स्टूडेंट्स को हमने टीच किया था। आउट ऑफ 2300, 1600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया, फाइनली आईयूक्यूएम का एग्जाम दिया, जो 6th ऑफ मार्च 2022 को हुआ था। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड स्कूल बोर्ड्स भी काफी डिलेड थे, तो कुछ स्टेट्स में स्कूल बोर्ड्स के साथ क्लैश कर रहा था बच्चों का पेपर, एंड दैट्स व्हाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे नहीं पाए थे। 700 के अराउंड स्टूडेंट्स जो एग्जाम नहीं दे पाए थे। बट यस, जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें से एज यू कैन सी रफली एवरी सेकेंड स्टूडेंट आउट ऑफ टू वन क्लियर्ड आईयूक्यूएम, वन क्लियर्ड प्रीआरएमओ, जिसके पास आईयूक्यूएम या प्रीआरएमओ का सर्टिफिकेट था फाइनली। ठीक है, तो आउट ऑफ टू वन क्लियर्ड आईयूक्यूएम, राइट। फाइनली इनमो का पेपर जिन बच्चों ने दिया वो देवर 450 फ्रॉम दिस ईयर, है ना, 450। बाकी पुराने कैंडिडेट्स थे, सीनियर बैच के थे, जो इस साल फ्रेश जो 450 स्टूडेंट थे उनमें से 46 आर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एंड उनमें से 5 स्टूडेंट्स फाइनली क्लियर्ड इनमो एग्जाम। ठीक है, तो इंडिया के टॉप 40-45 बच्चों में से 5 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम वीओएस टीम। एंड यस, मतलब इसको हम ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं बताते बिकॉज ही इज नॉट आवर रेगुलर स्टूडेंट, वो वाईटी में था और कुछ उसके 1-to-1 सेशन लिए, राइट। एंड वी हैव अ वन सिलेक्शन फॉर आईएमओ इन आईएमओ टीम, बट दैट इज फ्रॉम नेपाल, राइट, देयर इज अ नेपाल स्टूडेंट, राइट। हैविंग सेड दैट, लेट्स कम टू द कोर्स हाईलाइट्स। आईयूक्यूएम अचीवर्स में यू विल गेट 40+ लाइव लेक्चर्स, 40+ लाइव लेक्चर्स होंगे, इक्वली डिवाइडेड बिटवीन 3 ऑफ अस। अमेजिंग लेक्चर्स होंगे, बहुत कुछ इसको इसमें सीखने को मिलेगा आपको। इसमें सारी चीजें जो आईयूक्यूएम का सिलेबस है, दैट मींस नंबर थ्योरी, एलजेब्रा, एलजेब्रा में भी सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, सब चीजें, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, राइट, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीजें हम इसमें आपको टीच करेंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा है, पहले जो कोर्सेज थे उसमें 1 आवर का टाइम था, इसमें हमने 1.5 आवर की ईच क्लास किया, 90 मिनट्स का आपको हर क्लास मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डे 1 से जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका, दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, ठीक है। यू विल गेट 10 पार्ट टेस्ट न्यू पैटर्न पे बेस्ड। पार्ट टेस्ट का मतलब है जैसे जैसे जो सिलेबस होता रहेगा उसका अकॉर्डिंगली उतने ही सिलेबस का टेस्ट आता रहेगा, जस्ट आप टू चेक कि आप लोग कितना वो सिलेबस आपको समझ में आया, राइट। सभी टेस्ट के आपको सोल्यूशन रिटर्न में भी मिलेंगे एज वेल एज वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब 40+ क्लासेस के अलावा बाद में कुछ रिविजन क्लासेस भी चलेंगी, जिसमें स्पेसिफिकली 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, एंड दे विल बी सेपरेट फ्रॉम दीज 40+ क्लासेस। उसमें आपको 10 फुल टेस्ट होंगे, अगेन न्यू पैटर्न, ठीक है, जिसके आपको रिटर्न सोल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 न्यू पैटर्न होंगे, एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट अ लॉट ऑफ 5 मार्कर एंड 10 मार्कर क्वेश्चंस प्रैक्टिस ड्यूरिंग दीज लेक्चर्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, यू विल गेट 15+ एडिशनल रिवीजन लेक्चर्स, बट वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, अगेन 90 मिनट्स ईच लेक्चर, राइट। चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी सारी, अच्छा खासा कंटेंट है उसमें बहुत। अगर आप इतना सारा देखो यार, जो ये बच्चे थे ना 798, उन्होंने और कुछ नहीं फॉलो किया, उन्होंने जस्ट ये सारा कंटेंट फॉलो किया, लेक्चर्स किए, असाइनमेंट सॉल्व की, ठीक है, टेस्ट दिए, अल्टीमेटली ये अचीव किया, उनमें से कुछ बच्चों ने ये अचीव किया, फाइनली कुछ जो बहुत सिंसियर बच्चे थे उन्होंने ये अचीव किया। नाउ इट, देखो क्लियर कैसे करना है उसका पाथ आपके सामने है। अब आप कितनी मेहनत करते हो, कितने ऑनेस्टली रहते हो खुद के साथ, कितने देखो, अगर आप है ना सारे लेक्चर्स लगा लेते हो, सारे टेस्ट देते हो और कोशिश करते हो जितनी मैक्सिमम असाइनमेंट सॉल्व करने की, आई कैन गारंटी आप में आपका डेफिनेटली आईयूक्यूएम क्लियर होगा ही होगा, राइट। एंड ये जो हमारा कोर्स है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आईयूक्यूएम तक, आप आईयूक्यूएम तक तो है ही, 30th अक्टूबर तक वी विल बी देयर विद यू, ठीक है, 30th अक्टूबर तक आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। इनकेस जैसे लास्ट ईयर हुआ था, आईयूक्यूएम की डेट्स एक्सटेंड होती रहती थी, अगर इस बार भी होती है तो जब तक डेट एक्सटेंड होती रहेगी, मतलब बेसिकली जब तक आईयूक्यूएम का पेपर नहीं होता तब तक वी विल बी विद यू, आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा अच्छे से और बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी 5 मार्क 10 मार्क की, इनकेस अगर एक्सटेंड होता है, राइट।
एंड सिर्फ IUQM नहीं, फर्दर इनमो तक भी जो बच्चे IUQM क्लियर करेंगे उनका इनमो तक का, दैट इज जनवरी तक का साथ हमारे साथ रहेगा, ठीक है। उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे, बट यस दिस इज अ पेड बैच जिसकी प्राइस पहले हम 10,000 रख रहे थे, बट फाइनली फिर हमने थोड़ा सा अच्छा फिगर रखा 6666, राइट। इसमें भी यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%, तो फाइनली ये बैच आपको 6,000 में पड़ेगा इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड, ठीक है, CGPRO, ठीक है। अब इस बैच में रजिस्टर कैसे करना है, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर आप खोलोगे तो आपको इस टाइप का डिटेल उसमें दिया हुआ है। ऑल्दो ये सारे कोर्सेज सेम है, बट यस कि हमने अपने रेफरेंस के लिए अलग अलग लिंक बनाए हुए हैं, तो इनकेस अगर आप क्लास 7 से 12th में किसी भी क्लास में, तो अकॉर्डिंगली आप लिंक प्रेस कर सकते हो। अगर कोई क्लास 10th वाला बच्चा क्लास 8th वाले लिंक पे भी क्लिक करता है, 12th वाले पे क्लिक करता है, अल्टीमेटली वो सेम कोर्स में ही एनरोल होगा, सेम चीजें ही उनको टीच की जाएंगी। बस ये जस्ट हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है कि कितने बच्चे 7th से हैं, कितने 8th से, 9th से, एंड सो ऑन, राइट। अगर कोई वैसे मैथ्स एंथुजियास्ट है जो अभी 12th पास कर चुका है या लोअर क्लासेस में 6th 5th में है, बट यस ही इज गुड एट मैथमेटिक्स एंड उसने काफी कुछ चीजें की हुई है, he or she can also enroll in this particular course, right? Clear? तो I hope अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो यार जल्दी से करो, wait मत करो, because इस particular batch में there are limited seats. Because हम तीनों पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत seats हैं, limited seats हैं, first come first serve basis पर है, जैसे जो बच्चे enroll करेंगे, seats fill up होती रहेंगी, right? तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो चीजें दी हुई हैं क्लिक करो, एंड जैसा ही आज सेशन में हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चन हम इस कोर्स में IUQM अचीवर्स में करेंगे, राइट। तो अभी के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।